हाल चाल, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं हूँ आपका अपना सनील लंबरदार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही था कि हमने लहसुन के लिए खेत तैयार कर रहे थे, तो हमने लहसुन के लिए खेत बुआई करके उसको बिल्कुल रेडी कर दिया था। और अब उसमें कुछ आज सुबह हम पहुँचे हैं खेत में, तो खेत में कुछ इस तरह से देख ही रहे होंगे आप पीछे कि काम चल रहा है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से खेत में हमारे बाजे और एक बोई आंटी लगे हुए हैं काम करने। पापा इनसे काम करवा रहे हैं कि किस तरह करना है। तो जो लहसुन बताए थे हमने, देखो लहसुन ये सारे लहसुन लगाए जाएंगे इसमें भी खेत में। तो इस तरह से हम जो इसकी लाइन का लगाएंगे और इसमें एक करके इसको लगाएंगे। और ये बाजे कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे बाजे? हाँ, हेलो कर दो, हेलो ऐसे कर दो, हेलो हाय कर दो, हाय। तो सुबह का कुछ इस तरह का व्यू है। कल थोड़ा मौसम ख़राब था, आज सुबह कुछ बहुत अच्छा, सूर्य प्रसन्न है हमारे से और अच्छे से काम चल रहा है सुबह सुबह बहुत। अभी धूप थोड़ी देर में और तेज़ हो जाएगी, अभी थोड़ी कम तेज़ है। और सुहावना मौसम है, चारों तरफ बिल्कुल नीला आसमान दिख रहा है। और देखिए मित्रों, तो हाँ जी मित्रों, अब मैं भी इसमें शामिल होने जा रहा हूँ। तो पापा के साथ काम हाँ जी मित्रों, देखिए तो इस तरह से कुछ ये लगाया जा रहा है लहसुन को। हाँ बाजे, लगाया जा रहा है ना लहसुन है। और ये है आंटी, ये आंटी जो थोड़ा बोल नहीं पाती, शर्मा रही है कि मेरी वीडियो ना बनाओ। और ये देखिए इस तरह से हमने लाइनें लगा दी नीचे तक, कुछ इस वाले पोर्शन में जो लगा रखा है ये लगा दिया हुआ है परे को, और ये थोड़ा सा रहा हुआ है और कुछ ही रहा हुआ है। तो अभी इस वाले पोर्शन के लिए ये काफ़ी होंगे, दो बाल्टियाँ हम जो लेके आए हैं बीज को उसमें लगाएंगे। तो फाइनली मित्रों, हमने लहसुन लगा कर कर दी है कंप्लीट। तो चलते हैं अब घर की ओर, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त। तब तक के लिए देखते रहे सनील लंबरदार को। और ये रहा कुछ ऐसा व्यू, तब तक के लिए राम राम।